दुनिया एक छोटे से वैश्विक गांव में बदल गई है। आज लोग एक देश की नागरिकता रखते हैं तो दूसरे देश में रहते हैं और तीसरे देश से अपना व्यवसाय यानी कि बिजनेस संचालित करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टूल और वर्क ऑन इंटरनेट ने इसे संभव बनाया है। ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन के साथ भारत में एक नई प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड की शुरुआत हुई है। हाल के वर्षों में HNIS यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स भारत को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। चाइना के बाद भारत दूसरे पायदान पर है जहां हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स देश को छोड़कर कहीं और की नागरिकता ले रहे हैं। HNIS लोगों की दूसरे देशों में नागरिकता लेने के पीछे कई कारण हैं। इनकम टैक्स, ईजियर एक्सेस टू कैपिटल एंड बिजनेस एक्सपेंशन आर सम रीजन बिहाइंड दिस। UAE, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश कई नागरिकता लेने वाले HNIS इंडियंस के मेजर डेस्टिनेशंस बन गए। भारत में इनकम टैक्स का उच्चतम स्लैब 30% है। सिंगापुर और UAE जैसे देश की कम टैक्स रेट की पेशकश HNIS इंडियंस को भारत से दूसरे देश जाने की लालच दे रहा है और साथ ही वह इन देशों में भी नागरिकता ले रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ऑफर इजियर एक्सेस टू कैपिटल फॉर बिजनेसमैन एंड HNIS। दूसरी ओर कुछ HNIS इन देशों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए दूसरे देश में माइग्रेट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स भारत से बाहर जा रहे हैं क्योंकि भारतीय कानून कंपनियों को सीधे अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं देती। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि इनकम टैक्स रेशनलाइज करें और लिस्टिंग नॉर्म्स को भी आसान करें। ये HNIS भारत को $5 trillion की अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सरकार को चाहिए कि वह उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द कोई कार्रवाई करे और देश से धन की निकासी को समाप्त करे।